एसिडिटी, आपको पता है एसिडिटी क्या चीज़ है? एसिडिटी के चलते कई लोग एंटासिड लेते हैं, कई लोग इनो लेते हैं, कई लोग बहुत कुछ लेते हैं। और कॉन्स्टिपेशन, मैं ये बोलना चाहता हूँ, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या कोई भी चीज़ जहाँ पर गैस ज़्यादा बनती हो, ये सब एक ही बातें हैं। सभी डिजीज प्रोसेस का बॉटम लाइन एसिड बेस बैलेंस या डिसबैलेंस है। आप जो भी करते हैं सुबह से लेके शाम तक, बॉडी एसिड बनाती है। कोई थॉट भी आता है तो एसिड बनता है, कुछ खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड बनता है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। बॉडी दिन भर इस एसिड को निकालने के चक्कर में रहती है। निकालने के चार तरीके हैं, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, यही चार तरीके। अगर किसी तरीके से आपका एसिड की मात्रा लेना आपका ज़्यादा हो गया और निकलना कम हो गया, तो बॉडी में एसिड लेवल राइज करता है, जो ब्लड की एसिडिटी को चेंज करता है और बीमारियां होती हैं, फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर, कारण यही। एसिडिटी अगर बॉडी ओवरवेल्म हो जाती है तो उस एक्सेस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं फेंकती है। कभी गॉल ब्लैडर में फेंक दिया तो वहाँ स्टोन बन गया, किडनी में फेंक दिया तो वहाँ स्टोन बन गया, ब्रेस्ट में फेंक दिया तो लंप बन गया, उस लंप में ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो कैंसर हो गया। बहुत सिंपल बात है समझने वाली।